नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल के कर्मचारी उद्यमी प्रयास के लिए सम्मानित। सीपीटीआई में आरएसपी के कनिष्ठ अधिकारियों के लिए मौलिक प्रबंधकीय कौशल पर कार्यक्रम आयोजित। और आरएसपी के प्रोजेक्ट सुनैना की मदद से बस्ती निवासी बुजुर्ग की स्पष्ट दृष्टि बहाल। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल एचएसएम के कर्मचारियों की एक टीम को अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सीजीएम प्रभारी एचएसएम 1 श्री पी मुरली ने 24 फरवरी को विभाग में आयोजित एक समारोह में कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। सम्मानित टीम में वरिष्ठ तकनीशियन श्री पी के पढ़ियारी, श्री डी मिंज, श्री एल महतो, श्री सी लकड़ा और श्री पी के साहू शामिल थे। महाप्रबंधक एचएसएम 1 श्री बी एस दास टीम के फैसिलिटेटर थे। विशेष रूप से हॉट स्ट्रिप मिल बूस्टर पंप हाउस 3 के सफल संचालन में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु टीम को पुरस्कृत किया गया। इस प्रयास से रोल कूलिंग में काफ़ी सुधार हुआ, जिससे संयंत्र के समग्र निष्पादन में सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि हॉट स्ट्रिप मिल 1 में सभी मिल स्टैंड के रोल कूलिंग के उद्देश्य से रफिंग मिल से फिनिशिंग मिल तक और फर्नेस में स्केल सफाई के लिए 3 बूस्टर पंप काम कर रहे हैं। ये पंप पुराने और अप्रचलित हो गए थे और उनके पुर्जे भी उपलब्ध नहीं थे। इसे ध्यान में रखते हुए मौजूदा पंपों को बदलने के लिए 2 नए पंपों की खरीद की गई। हालांकि नए पंपों के बोर और इनलेट आउटलेट पाइप के आयाम मौजूदा पंपों से अलग थे, इसलिए उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना पुराने पंपों को नए पंपों से बदलना विभाग के लिए एक चुनौती थी। टीम ने कार्य निष्पादित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। तदनुसार निर्माण किए गए फ्रेम पर नए पंप के मोटर को बाधित किए बिना उचित स्थान पर स्थापित किया गया। विशेष रूप से आपूर्ति किए गए फ्रेम के साथ पंपों के स्थापना में 10 से 12 दिन लगे होंगे और भारी मरम्मत के दौरान ही कार्य शेष 2 पंपों को बंद करके किया गया। हालांकि संशोधनों के साथ उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना 5 दिनों में पंप स्थापित किया गया। कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक फिटिंग और सामान इन हाउस बनाए गए थे। पंप को 22 जनवरी 2020 को चालू किया गया। यह कार्य आरएसपी के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और तकनीकी कौशल का एक और उदाहरण है। आरएसपी के सीपीटीआई में 26 से 27 फरवरी तक मौलिक प्रबंधकीय कौशल पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आरएसपी की विभिन्न यूनिटों से कुल 29 जूनियर अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लांट के बेहतर उत्पादन, निष्पादन और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में नियुक्त हुए जूनियर अधिकारियों में उत्पादन प्रबंधन की प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाना था। सत्र के दौरान संचार, समय प्रबंधन, योजना आयोजन, सृजनशीलता, दलगत कार्य, टीम प्रेरणा, सकारात्मक अनुशासन, वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य, सामान्य रूप से इस्पात क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और विशेष रूप से फ्रंटलाइन अधिकारियों की भूमिका जैसे विषय शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ अधिकारी एचआरडी श्री एस के शुक्ला ने महाप्रबंधक परिभारी एचआरडी श्रीमती राजश्री बनर्जी के मार्गदर्शन में किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीएसआर प्रोजेक्ट सुनैना के तहत आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल के सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद इस्पात शहर के पास के एक बस्ती निवासी श्री निमय चंद्र पंडा को स्पष्ट दृष्टि फिर से वापस मिली। श्री पांडा लंबे समय से मोतियाबिंद की समस्या से जूझ रहे थे
और इसलिए उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें 25 फरवरी को IGH में भर्ती कराया गया था। सभी आवश्यक परीक्षा के बाद 26 जनवरी को संयुक्त निदेशक MHS डॉक्टर RR मोहंती द्वारा मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। सिस्टर मंजुलता पटनायक के नेतृत्व में सिस्टरों की एक टीम ने आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की। संतोषजनक पोस्ट सर्जिकल रिपोर्ट के बाद मरीज को 27 फरवरी को अस्पताल से रिहा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट सुनैना राउरकेला में और उसके आसपास रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के वयस्कों और बच्चों की आँखों की समस्याओं और रोगों के उपचार से संबंधित है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।